गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज न्यूमरोलॉजी का नेक्स्ट एपिसोड है। जो लोगों को मूलांक और भाग्यांक के बारे में मालूम है, क्या होता है, कैसे है, हम पहचानते हैं मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर जिन लोगों को मूलांक और भाग्यांक मालूम नहीं है, वो मैंने पहले ही दो वीडियो बना चुकी हूँ, वो जाके पहले वो देख सकते हैं। सो मूलांक क्या होता है? ना डेट ऑफ बर्थ का, ओनली डेट का समेशन। यानी कि अगर 6/7/1988 में एग्जाम्पल लिया था पिछली बार, तो 6 मूलांक होता है और सारे डिजिट ऐड कर देने के बाद जो सिंगल नंबर आता है वो भाग्यांक होता है। तो हो गया ये कि मूलांक क्या होता है, ओनली डेट। यहाँ पे 6 मूलांक है और सारे मिला देने के बाद 3 आता है, वो भाग्यांक है। तो आप लोगों को ऐसे हो गया कि अगर किसी ने 15 को जन्म हुआ है, 15/7/1988, तो 15 को भी ऐड करें तो 1+5=6, उसका भी मूलांक 6 हो जाएगा। तो ऐसे में आप सोचिए, हर महीने में अगर कोई 1 तारीख को या 10 तारीख को 10, 1, 10, 19 या 28 ये डेज को जन्म हुए हैं तो उनका मूलांक होता है 1। वैसा ही अगर कोई 2 को या 11 को या 20 को या 29 को, तो ऐसे में उन लोगों का मूलांक 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सबको पता चल गया कि जिसका भी 3 हुआ होगा, 3 कौन से भी महीने को, 3 या 12 या 21, ऐसे में 30, तो इन लोगों का सब मूलांक 3 हुआ। तो आप सबको पता चल गया कि दोनों डिजिट, अगर कौन से कोई भी सिंगल डिजिट पे जन्म हुआ है तो सिंगल होता है, अगर कौन सा भी दोनों डिजिट पे होते हैं 11 से लेके 31 तक, तो उनका वो ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो मूलांक होता है। तो वो भाग्यांक क्या होता है? ना सभी नंबर को ऐड कर देने के बाद, सभी नंबर डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो भाग्यांक। तो आज मेरा क्वेश्चन है, मूलांक बड़ा है या भाग्यांक बड़ा है? बहुत सारे यूट्यूबर ईच नंबर का स्वभाव, कैरियर, ये सब बताते हैं। ये बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो है, लेकिन आज मेरा टॉपिक है कि मूलांक और भाग्यांक थोड़ा हटके है। सभी लोग मूलांक के बारे में भी कैरियर बना देते हैं और भाग्यांक बारे में भी कैरियर बना देते हैं, लेकिन ईच पर्सन को कौन सा इम्पोर्टेंट है? आपका स्वभाव आपका मूलांक है, लेकिन आपका कौन से डिरेक्शन पे गए, तो कौन से जॉब, कौन सा कैरियर चूज करे तो आपके लिए आपका भाग्य उदय हो जाएगा, वो डिफरेंट होता है। भाग्यांक होता है कि गॉड आपको कौन से डिरेक्शन पे जाने के लिए वो बोल रहे हैं, उन्होंने कौन सा डिरेक्शन गए, उन्होंने गॉड ने ये नंबर आपको दिया है कि आप वही डिरेक्शन पे जाने के बाद आपका भाग्योदय होगा, भाग्यांक उसको बोलते हैं। तो अगर मूलांक किसी ने मूलांक का कैरियर चूज किया है, तो वो अपने नेचर के लिए, नेचर के वजह से चूज किया है, लेकिन उसका भाग्य तो कुछ और ही बता रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाग्यांक और मूलांक के बीच आप अगर कौन सा कैरियर चूज करेंगे, कौन सा कुछ भी अनदर, कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना हो, कहाँ पे कुछ भी हो ना, वो आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपका भाग्यांक अगर डिफरेंट है तो आप कभी भी मूलांक के बारे में नहीं ये करना। तो कैसे? ना किसी का अगर मूलांक 1 है तो वो अपने, वो तो उसका स्वभाव हो गया, लेकिन किसी का अगर भाग्यांक 1 है तो वो पर्टिकुलरली भाग्य के तरफ जाके वो अपना कैरियर, जॉब, जो भी कुछ करना है। आपको सब पता है कि नहीं, भाग्य रिलेटेड आपको जो जिंदगी में, मनुष्य को तो हर जगह पे भाग्य की आवश्यकता बहुत ही रहती, भाग्य सबसे बड़ा है। कुंती जी ने भी बोले थे पंचुपांडव के लिए कि भाग्य सर्वत्र फड़ते, उनके लिए उनके बच्चों के पास स्ट्रांगनेस सब में वो धुरंधर थे, लेकिन उनके पास भाग्य नहीं था। तो वो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। तो भाग्य के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको हमेशा भाग्यांक को चूज करना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कौन से प्लैनेट के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसी हिसाब से आपको वही वो नंबर को चूज करना है। आज अभी हम डिफरेंट डिफरेंट भाग्यांक के बारे में बातें करेंगे। तो पहले आता है 1। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका मूलांक जैसे भी हो, आपके मूलांक जो भी नंबर है, आपका स्वभाव जो भी नंबर का हो, 1 हो 2 हो 3 4 5 6 7 9 तक, लेकिन आपका भाग्यांक अगर 1 है तो आपको
अपने भाग्यांक के जैसे ढल जाना चाहिए, यानी कि आपका नेचर को पूरा वान के नेचर के जैसा बना देना चाहिए, तभी जाके आपका भाग्य उदय होगा। यानी कि आप अगर सॉफ्ट होंगे कि कुछ भी डिफरेंट नंबर का होंगे, लेकिन जिसका भाग्यांक वान है तो उसको डिटरमाइंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्ट्रांगनेस होना चाहिए, लीडरशिप दिखाना चाहिए। वो सूर्य जी का प्रतीक है तो सूर्य के जैसा तेजवान होना चाहिए, अपने बात में अड़े रहना चाहिए, कुछ लीडरशिप रहना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। ये जो भी वान का नेचर होता है, आप वही नेचर आपके अंदर आना चाहिए। आप ऐसे में उन्नति करेंगे और आपका भाग्य साथ देगा। तो ऐसे ही टू जिनका जो भी मुलाक होना क्यों, अगर भाग्यांक उनका टू है तो उनको इंट्यूशन होना चाहिए, उनके पास डिप्लोमेटिक वो होना चाहिए। अगर नहीं भी होंगे उनको डिप्लोमेटिक बनना चाहिए, क्योंकि उनका भाग्यांक टू है और नेचर उनको बोल रहा है कि तुम डिप्लोमेटिक बनो। डिप्लोमेटिक अगर बनोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। और वार्म हार्टेड होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। और मूलन थ्री वालों को, भाग्यांक थ्री, जिन लोगों का जो भी मूलांक क्यों ना हो भाग्यांक अगर थ्री है तो उन लोगों को थोड़ा माइंड से क्रिएटिविटी लाना चाहिए। जिनका भाग्यांक थ्री हो उन लोगों को थोड़ा क्रिएटिविटी, एनर्जेटिक, खुद को एनर्जेटिक करना चाहिए। वो कम्युनिकेशन अच्छा को ग्रो करना चाहिए कम्युनिकेशन को, और ब्रॉड माइंडेड थोड़ा होना चाहिए, स्केटर्ड होना चाहिए। तो ये सब आप अगर करेंगे भाग्यांक, जिनका भाग्यांक थ्री है तो इसमें आपका भाग्य इंक्रीज करेगा। और फोर जिन लोगों का भाग्यांक है, पहले याद रखिए फोर बहुत प्रैक्टिकल होता है, फोर के पास दिमाग रहता है, वो राहु होते हैं। तो आप जो भी मूलांक के क्यों ना हो, आपका भाग्यांक अगर फोर है तो यानी कि आपको मैनेज करना चाहिए, मैनेजर के जैसे बनना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर क्षेत्र में आपको प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, अगर आप फोर के हैं भाग्यांक के। तो ऐसे में बहुत डिफरेंट है। फाइव ये बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। भाग्यांक जिनका फाइव होता है उनको बहुत एनर्जेटिक माइंड पे बैलेंस रख के, वो बैलेंस नंबर है, फाइव बैलेंस नंबर है। तो आपको लाइफ को, अपने लाइफ को बैलेंस कर देना चाहिए। तो ऐसे में आपका भाग्य उदय होगा। हर चीज में आपको बैलेंस होना चाहिए, वो क्विक डिसीजन लेते हैं। तो आप अगर किसी का भाग्य फाइव है तो वो अगर क्विक डिसीजन लेगा उसका अच्छा भाग्य साथ देगा। तो ऐसे में नेक्स्ट है सिक्स, आपको अगर भाग्यांक सिक्स है आपको केयरिंग होना चाहिए, दूसरों की तो थोड़ा परवाह करनी चाहिए और दूसरों के लिए सोचना चाहिए। और शुक्र जी का होता है थोड़ा फैशन कीजिए, तो ऐसे में आपका भाग्य स्योर होगा। सेवन वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रही हूँ सभी नंबर और सेवन बहुत डिफरेंट होता है। सेवन स्पिरिचुअल लाइन होता है, सेवन दुनिया में जो चल रहा है वो वन से लेके नाइन नंबर तक होता है, लेकिन सेवन नंबर आफ्टर बियॉन्ड मेटरास्टिक, बियॉन्ड अर्थ। आप ये सोचिए वो स्पिरिचुअलिज्म को, वो बाहर के दुनिया के बारे में। हम ये कंप्लीट अर्थ के बारे में सोच लिए तो वो बाहर के बारे में है। तो जिन लोगों का, याद रखिए भाग्यांक सेवन है, वो लोगों को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। वो डायरेक्ट आप सोच लीजिए स्पिरिचुअल लाइन है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहें, ओके, भाग्यांक जिन लोगों का सेवन है, देखेंगे आप लोगों को जो भी मूलांक हो ना क्यों, आप कभी भी दूसरों के बारे में खराब चिंता नहीं, बैड इंटेंशन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैड इंटेंशन रखेंगे लेकिन आपका भाग्यांक सेवन है तो पूरा आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जिन लोगों का भाग्यांक सेवन है वो लोग कभी भी दूसरों की बुराई और दूसरों के खराब करने के लिए कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो आपका भाग्य पूरा आपको बैड रिजल्ट देगा। तो सेवन पायर्स का नंबर होता है। आप पुण्य कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपके लिए टीचरशिप लाइन हो, साइंटिस्ट हो, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्य उदय करेगा। आप देखे होंगे ज़्यादातर जिनका मूलांक या भाग्यांक सेवन होता है वो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में, बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, ये आप कभी देखे होंगे। अभी रहा नेक्स्ट एट नंबर, सबसे मेरा भी, मैं बोली थी कि मेरा फेवरेट भी नंबर है एट नंबर। तो एट नंबर संघर्ष का होता है, आपको संघर्ष करना चाहिए, एट के जैसे बन जाना चाहिए,
जो भी मूलांक हो ना क्यों, अगर आपका भाग्यांक 8 निकला, आपको 8 जैसे बन जाना चाहिए। अपने मन में सब रख देना चाहिए, अपने मन में सब रख दीजिए, कुछ भी बाहर मत निकालिए और संघर्ष करते जाइए। विदाउट संघर्ष आपके लाइफ में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर भाग्यांक 8 है, आपको आइदर पूरा नीचे, आप अगर कुछ भी परिश्रम लेवल नहीं करेंगे, कुछ भी परिश्रम नहीं करेंगे, कुछ हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप जमीन पे रहेंगे। अगर आपने हार्डवर्क किए, कभी भी नहीं हारे जिंदगी में, कभी बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकेंगे। 9 एनर्जेटिक का, पराक्रम का, मंगल ग्रह का वो है, तो आप लोगों को हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, जिन लोगों का भी मूलांक जो भी हो, अगर भाग्यांक 9 हुआ, थोड़ा अपने खुद अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि 9 थोड़ा सेल्फिश होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका भाग्यांक 9 मिल गया तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए और एनर्जेटिक रहना चाहिए। जो भी आप सोचिए, आपको एक मैं अगर आपको नॉलेज थोड़ा दे रही हूँ, उसका मीनिंग है कि आप एक ही लाइन में मैं बोलना नॉलेज बोलना चाहती हूँ कि आपका आप अपने भाग्यांक के जैसे कन्वर्ट हो जाइए, तो आपका भाग्य स्योर उदय होगा, मूलांक के जैसा मत बने। सो लास्टली मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि भाग्यांक बहुत बड़ा रोल रहता है मूलांक से ज्यादा। हाँ, कोई अगर किसी को इतना प्यार है अपने मूलांक को कि नहीं, अगर कोई चित्रकार बनना चाहता है, अपने मूलांक पे गया है, तो वो छोड़ दीजिए, वो एक हार्टली कनेक्टेड है। सो उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।